Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm your host Praveen Rao. So friends, today I have another very interesting topic for you guys. It's how to make bitter at your home. जैसा कि आप लोग जानते हैं बिटर एंगोस्ट्रा बिटर काफ़ी फेमस बिटर है, तो हम लोग इस बिटर को घर पे कैसे बना सकते हैं, हम कोई सा भी बिटर किसी भी फ्लेवर का बिटर हम लोग घर पे कैसे बनाएंगे इसे, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ऑरेंज बिटर बना करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नीड सम पी इसे मैं एक जार में डाल दे रहा हूँ, मैं एक और मिक्स करता हूँ जिसके लिए हम सबसे पहले इसका टॉप और बॉटम काट लेंगे, फिर इसे काफी इजी इसका पील बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। ताकि जार में स्पेस भी बच जाए और बाकी चीज़ें इसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फ्यूज़ हो सके। तो ऑरेंज पल्प के बाद ऑरेंज पील के बाद हम लोग क्या लेंगे, इसमें इलायची ऐड करेंगे, छोटी इलायची, ये अप्रॉक्स 15 से 20 इलायची हम लोग इसके अंदर डालेंगे। फिर हम लोग यूज़ करेंगे इसमें लौंग, ये हम डालेंगे इसमें 20 ग्राम के अप्रॉक्स। उसके बाद धनिया, ये भी हम 15 से 20 ग्राम के अप्रॉक्स इसमें डालेंगे। फिर हम लेंगे सौंफ, इसे भी हम 15 से 20 ग्राम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे स्टार एनिस, इसे शायद हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें 15 से 20 पीसेस स्टार एनिस। इसके बाद हम लोग लेंगे दालचीनी, दैट मीन्स सिनेमन, सो इसके हम छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर लेंगे, अप्रॉक्स 5-6 दालचीनी के स्टिक्स इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा स्पेस बचना चाहिए ताकि हम उसमें लेकर जब ऐड करें तो उसे अच्छे से मिक्स कर सकें। और ये है ऑरेंज पील का पाउडर जो कि हम इसमें ऐड करेंगे अप्रॉक्स 2 स्पून्स, दैट्स मच इज इनफ। आफ्टर दिस कोई भी हाई प्रूफ एल्कोहल जिसमें कि एल्कोहलिक कंटेंट ज़्यादा हो वो हमारे इंग्रेडिएंट्स के साथ उनके फ्लेवर्स को इन्हांस करने में, मिक्स करने में और इसके साथ मिक्स होने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसीलिए हमको हैवी क्वांटिटी में अल्कोहल चाहिए होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें अल्कोहल डाला है अप्रॉक्स 300 ml, तरीके से मिक्स करने के बाद इसे काफ़ी अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि इसके अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे लिकर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो सके। तो जब ये सब चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसे स्टीपिंग प्रोसेस के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि काफ़ी हमने बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, तो हम इसे स्टीपिंग प्रोसेस में 2 से 3 हफ्ते के लिए बहुत इनफ होगा। तो वैसे तो बेसिकली जो हमारा बिटर है वो बनता है बाग से, रूट से और फ्रूट से एंड हर्ब से मिलकर बनता है। जैसे कि मैंने इसमें काफ़ी बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो वैसे इसमें जैसे हमारा एंगोस्ट्रा बिटर है या कोई और बिटर्स हैं उनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि शायद हम लोगों को बहुत इजीली नहीं मिलती, जैसे कि कैसेरिया, जेंटेन, सिंचोना बाक,
कैसे लिया? मतलब जंगली कहेंगे तो दालचीनी है, और जेंटी मीन्स किरा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को आसानी से मिलती नहीं है, तो इसीलिए मैंने जो बिटर बनाया है वो काफी इजी मेथड से बनाया है, जो चीजें हमारे घर में मिल जाती हैं। तो जैसा भी इसके अंदर चेंजेस आएंगे, जैसा भी हमारा स्टीपिंग प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा अपनी वीडियोस में। बाकी इसके आगे का जो फीडबैक होगा, इसके अंदर का टेस्ट, इसके अंदर का अरोमा, इसका जो फ्लेवर निकल के आएगा, वो सब चीजें हमें 2 से 3 हफ्ते के अंदर पता चलेगी। तो बाकी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी मेथड मैंने आप लोगों के सामने रखा है बेटर बनाने का घर पे। तो प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।